नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज साल का पहला सोमवार है और आज है पुत्रदा एकादशी। ये जो एकादशी है ये 1 जनवरी शाम 7:11 से शुरू हो गई है, जो 2 जनवरी सोमवार के दिन शाम 8:23 तक रहने वाली है। तो जो पुत्रदा एकादशी है ये सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी। जो पारणा का समय है ये 3 जनवरी सुबह 7:12 से 9:25 तक रहने वाला है। दोस्तों, एकादशी है और सोमवार है, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं आज के दिन आप अवश्य अवश्य करें। इस उपाय को करने से पूरा साल आपके पास पैसा आता रहेगा, बहाने मार मार कर पैसा आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आज पुत्रदा एकादशी है तो वो तमाम लोग जिनकी संतानें नहीं है, वो तमाम दंपति जो संतानहीन है, वो पुत्रदा एकादशी वाले दिन व्रत जरूर रखें। आज के दिन आप अपने घर में आटा खुद अपने हाथ से लगाएं, गेहूं का आटा, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं और पति पत्नी दोनों साथ में जाकर के जहां पर भी मछलियां हों, जिस तालाब में, वहां जाकर के दोनों, पति गोली डालता है तो पत्नी उसमें हाथ लगा दे। इस तरीके से पति पत्नी दोनों मिलकर के जाएं और जहां पर भी मछलियां हैं वहां आटे की गोलियां जरूर खिला दें। इस उपाय को यदि आप करते रहे, पुत्रदा एकादशी से शुरू करें और प्रत्येक एकादशी आप इस उपाय को करें, घर में संतान जरूर जन्म लेगी। आज के दिन आप जो शिवलिंगी आती है उसे घर में लाएं और जो महिलाएं हैं 2 शिवलिंगी लें और उसको कपिला गाय के दूध में पीस करके मिक्स करें और उसका सेवन करें। अगली पुत्रदा एकादशी आते आते आपके घर में संतान जरूर जन्म लेगी। आज के दिन दोस्तों, जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, छोटा सा उपाय करें जो बताने के लिए जा रही हूँ। यदि अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक करें। हमारे ढेरों सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? चैनल में लाइक्स डालना, वीडियो को शेयर करना, ये आप ही का काम है। जानकारी अच्छी लगती है, शेयर जरूर करें वीडियो को। और जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से पहले जरूर चेक करें चैनल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर हमारी बहुत सारी डुप्लीकेट चैनलें बनाई जा रही हैं, सेम बैनर पड़ रहे हैं, उसके अंदर हमारी ही वीडियो उठा करके डाली जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले जरूर देखें, हमारी जो चैनल है उसमें सब्सक्राइबर्स 1.87 मिलियन है। जो नकली चैनलें बन रही हैं उसके अंदर सब्सक्राइबर्स की संख्या ज़्यादा नहीं है, व्यू भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को कभी भी डायल ना करें, ये तमाम नंबर फ्रॉड लोगों के हैं जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं। हमारे चैनल पर कभी भी किसी भी व्यूवर से, सब्सक्राइबर से, किसी भी बहाने से पैसे नहीं मांगे जाते। तो जो भी व्यक्ति हमारे नाम से आपसे पैसे मांग रहा है, तुरंत पहचान जाए ये व्यक्ति कौन है। दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, कर लेने के लायक है। आज जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान करते समय कंटिन्यू हर हर गंगे मंत्र का जाप करें। स्नान करने के बाद आप बाहर जब निकल करके आते हैं तो आपको जो चीजें लेनी है, सबसे पहले हल्दी, दूसरा आपको शुद्ध घी लेना है, यदि गाय का घी मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरी चीज दोस्तों जो आपको लेनी है वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता थोड़ा उसको आप पीस लें। तेज पत्ता यदि ना ले पाए तो थोड़ा सा जायफल इसको आप पीस लें और हल्दी और घी में इसको आप मिक्स कर लें। तीनों ही चीजों को मिक्स करें और अपनी अनामिका उंगली से अपनी नाभि पर इसको लगाएं और लगाते समय कंटिन्यू
ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। लगा लेने के बाद आप जो तीन उंगली हैं, पहली तीन उंगली तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ये तीन उंगलियों को आप नाभि के ऊपर रखें और 108 बार ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप कर लें। दोस्तों, नाभि आपका वो प्लेस है आपकी बॉडी का, जहां से आपकी पूरी बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है। जो भी चीज आप नाभि पर अप्लाई करते हैं उसकी इफेक्ट पूरी बॉडी पर हो जाती है। आज के दिन इस चीज को अप्लाई करने से पूरा साल आपके पास पैसा आता रहेगा। इस नियम को आप इस एकादशी को लें और प्रत्येक एकादशी को यदि आप इस नियम को रिपीट करते रहें, आप खुद देखेंगे दोस्तों, कुछ ही समय में आपके पास धन का ढेर लगेगा। ये तमाम चीजें, तीनों ही चीजें धन और लक्ष्मी को खींच करके लाने वाली चीजें हैं, ऐश्वर्य को खींच करके लाने वाली चीजें हैं। आज के दिन इनका यूज जरूर कर लें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।